नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज हम नीति निर्देशक तत्व के दो तत्व आपके रह गए थे, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा। आपने पिछले वीडियो में देखा था बच्चों कि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में देखने को मिलते हैं। नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड के संविधान से लिए, ठीक है बच्चों। इसके बाद मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आपके कौन से अनुच्छेदों का उल्लेख है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख देखने को मिलता है। अब बात आती है अनुच्छेदों में है क्या बच्चों, तो देखो अनुच्छेद 36 में मैंने आपको बताया था राज्य की परिभाषा है। राज्य की परिभाषा आपके अनुच्छेद 36 में देखने को मिलती है। आप जो 12th क्लास के विद्यार्थी हैं उनको नीति निर्देशक तत्वों के अगर अनुच्छेद पता है कि कौन से अनुच्छेद में क्या चीज है, तो वो नीति निर्देशक तत्व में से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाइए वो सॉल्व कर लेगा बच्चों। अब देखो अनुच्छेद 37 में क्या है, वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, इसके बारे में है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है जबकि मौलिक अधिकार वाद योग्य है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है, इसमें भारत सरकार, राज्य सरकार, सरकारी जो भी स्थानीय प्राधिकारी है, सार्वजनिक पदाधिकारी, इन सबको राज्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अनुच्छेद 37 में है कि नीति निर्देशक तत्व का पालन नहीं होता है तो राज्यों के विरुद्ध न्यायालय की शरण नहीं ले सकते बच्चों। अब आता है बच्चों अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में मैंने आपको बताया था समाजवादी व्यवस्था की स्थापना, समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना अनुच्छेद 38 में बच्चों देखने को मिलता है। इसके बाद मैंने आपको अनुच्छेद 39 में बताया था कि जीविकोपार्जन के साधन किस प्रकार के लोगों को, बच्चों को उपलब्ध होने चाहिए, स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध होना चाहिए, इसके अलावा सब भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि सभी का सामूहिक हित हो, ये सब आपके अनुच्छेद 39 में देखने को मिलता है। अब बात आती है बच्चों कि हमारे नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कौन कौन से प्रावधान है, क्यों, क्योंकि हमारे नीति निर्देशक तत्व समाज में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए 3 प्रकार की सुरक्षाएं प्रदान करते हैं, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और राजनीतिक सुरक्षा। अब बात आती है राजनीतिक सुरक्षा, तो आर्थिक सुरक्षा हम पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 41, 42, 43 और 48 आर्थिक सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद है। तो आर्थिक सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेदों में मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 39, जिसमें बताया गया है कि सभी को समान करने के लिए, आय की विषमता को कम करने के लिए, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए, भौगोलिक संसाधनों का इस प्रकार से वितरण होना चाहिए कि सामूहिक हितों, समान कार्य के लिए समान वेतन स्त्री और पुरुष को अवेलेबल होने चाहिए, पुरुषों की बच्चों की सुकुमार अवस्था का ध्यान में रखा जाना चाहिए, बच्चों के पोषण के लिए कार्यक्रम अपनाए जाने चाहिए, यह अनुच्छेद 39 में देखने को मिलता है। इसके बाद मैंने अनुच्छेद 41 में आपको बताया था कि राज्य अपने संसाधनों के हिसाब से शिक्षा, बीमारी, अंगहीन, वृद्धावस्था, इन सब परिस्थितियों में किस प्रकार जो है आर्थिक सहायता प्रदान कर सकता है, यह आपका अनुच्छेद 41 कहता है। अनुच्छेद 42 में मैंने आपको काम की दशाओं के बारे में बताया था। अनुच्छेद 43 में आपको श्रमिकों के लिए अवकाश की व्यवस्था कैसे होगी,
वेतन किस प्रकार दिया जाएगा, काम के घंटे डिसाइड किस तरीके से होंगे, उद्योगों में प्रबंधन किस प्रकार से होगा, इन सब के बारे में अनुच्छेद 43 में देखने को मिलता है। इसके अलावा मैंने आपको अनुच्छेद 48 बताया था। अनुच्छेद 48 में आपने कृषि और पशुपालन संगठन की बात की थी। अब बात आती है बच्चों की नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कौन कौन से प्रावधान देखने को मिलते हैं। देखो बच्चों, अनुच्छेद 41 आपको पता है। अनुच्छेद 41 कहता है कि राज्य अपने विकास के जो संसाधन उसके पास में अवेलेबल है, जितनी उसकी क्षमता है उसके अनुसार शिक्षा, वृद्धावस्था, बीमारी, अपंगता, इन सब स्थितियों में आर्थिक सामाजिक सुरक्षा जो है वो प्रदान करेगा। मतलब यह है, अनुच्छेद 41 में कहा गया है शिक्षा की व्यवस्था करेगा, वृद्धावस्था में बुजुर्गों को पेंशन सुविधा उपलब्ध करवाएगा, बीमारी की अवस्था में निशुल्क इलाज की व्यवस्था करवाएगा। ये सब जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। फिर आता है बच्चों अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में मैंने आपको बताया था कार्य दशाओं के बारे में बताया गया है, और इसी के साथ स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए प्रसूति सहायक केंद्रों की बात कही गई है, और ये कहा गया था कि स्त्री गर्भा अवस्था में उसको किस प्रकार की सुविधाएं अवेलेबल होनी चाहिए, आंगनवाड़ी केंद्रों के द्वारा या स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा प्रसूति गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको किस प्रकार सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, ये सब हमारे नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 42 में देखने को मिलता है, जिसमें स्त्रियों के सामाजिक सुरक्षा की बात कही गई है। तो स्त्रियों की सामाजिक सुरक्षा की बात, प्रसूति सहायक केंद्रों की स्थापना की बात आपका अनुच्छेद 42 करता है। अब बात आती है बच्चों अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, निशुल्क सुविधा उनको उपलब्ध कराने की व्यवस्था राज्य सरकार के जिम्मे में होगी। राज्य सरकारों का दायित्व होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाए। कौन सी सुविधा? निशुल्क शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाए, यह अनुच्छेद 45 कहता है। और बच्चों इसी में 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ, और इसी 45 में 6 से 14 साल को हटा करके 0 से 6 साल तक के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इस बात को स्वीकार किया गया कि अनुच्छेद 45 में 0 से 6 वर्ष, तो समझ गए होंगे कि जो पूर्व बाल्यावस्था है उन बच्चों के पोषण की व्यवस्था, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। ये आपका कहता है बच्चों कौन सा अनुच्छेद? 45 में इस बात की व्यवस्था की गई है। अब बात आता है बच्चों अनुच्छेद 46। क्या है अनुच्छेद 46? अनुच्छेद 46 कहता है पोषण, इसकी बात करता है, पोषण की बात करता है। ये कहता है कि बच्चों को अच्छा पोषण मिलना चाहिए, उनका जीवन स्तर का अच्छा होना चाहिए, औषधि के रूप में प्रयोग किए जाने वाले जो तत्व है उनके अलावा मद्यपान का जो निषेध किया गया है वो भी आपके अनुच्छेद 46 में किया गया है कि सरकार द्वारा शराब जो है उस पर निषेध लगाया जाना चाहिए। हानिकारक पदार्थ जो है, गुटखा है, तंबाकू है, बीड़ी, सिगरेट, शराब, इन सब जो हानिकारक वस्तुएं हैं उन पर राज्य सरकार को निर्बंधन लगाया जाना चाहिए। आप सबको पता है कि आज जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं उन सब में मिलावट देखने को मिलती है, तो इन मिलावटी वस्तुओं के विरुद्ध शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, गहलोत सरकार ने भी एक कार्यक्रम चला रखा है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। मतलब यह कि जितनी भी मिलावटी चीजें हैं उन मिलावटी जो चीजें हैं उनके नमूने प्रस्तुत किए जा रहे हैं और दिखाए जा रहे हैं कि किस प्रकार जो है चीजों में मिलावट आ रही है, तो इससे पोषण को नुकसान हो रहा है। हमारा जो संतुलित पोषण है उसका क्या हो रहा है? पोषण अगर सही तरीके से नहीं होगा, संतुलित भोजन अगर बच्चे को अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा बच्चों?
बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा आ सकती है। तो राज्य सरकारों को अनुच्छेद 46 के अंतर्गत कहा गया कि राज्य सरकारों का दायित्व है कि लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, लोगों को के सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा करने के लिए हानिकारक पदार्थों पर निषेध करने का जो जिम्मा है वो राज्य सरकारों का है। और अनुच्छेद 46 के अंतर्गत राज्य सरकारों को इस प्रकार का वातावरण बनाना होगा ताकि सभी के सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा हो सके, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके और हानिकारक वस्तुओं के प्रयोग पर क्या हो, रोक लगे, उस पर निषिद्ध हो। और इसी अनुच्छेद 46 में मद्य निषेध की बात कही गई है बच्चों। अब बात आती है बच्चों अनुच्छेद 47। तो अनुच्छेद जो 47 है बच्चों वो क्या कहता है आपका, अनुच्छेद जो आपका 45 हो गया, 46 हो गया और 47 हो गया। अनुच्छेद 47 में क्या कही गई है बात, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संरक्षण की बात जो मिलती है बच्चों वो मिलती है आपके अनुच्छेद 47 में देखने को मिलती है। और अनुच्छेद 48 आपकी बात करता है बच्चों पर्यावरण संरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 48। तो आपने यहाँ पर इस वीडियो में आपने नीति निर्देशक तत्वों के सामाजिक सुरक्षा वाले पार्ट को पढ़ा बच्चों। सामाजिक सुरक्षा में क्या बात कही गई है एक बार देख लेते हैं बच्चों, दोबारा देखिए इनको। देखो बच्चों सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जो ये अनुच्छेद है वो क्या कहते हैं कि समाज में हर बच्चे को शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए, वृद्धावस्था पेंशन जो है चलाई जानी चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में छात्रवृत्ति योजनाएं बच्चों के लिए चलाई जानी चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकारों के द्वारा जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक है उनके लिए क्या किया जाना चाहिए, परिवहन सुविधा, लड़कियों के लिए जो है परिवहन सुविधा, निःशुल्क परिवहन सुविधा की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये अनुच्छेद 61 में कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कार्यक्रम है उन सबको आयोजित करेगा, वृद्धावस्था के लिए पेंशन सुविधा, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा प्रदान करेगा, इसके अलावा जो अपंग है विकलांग है उनकी सुरक्षा का दायित्व भी राज्य सरकारों के ऊपर रहेगा। अनुच्छेद 42 कहता है प्रसूति, जो स्त्रियां हैं उनकी प्रसूति गर्भावस्था में जो जिम्मा होगा वो भी राज्य सरकारों का होगा। अनुच्छेद 45 कहता है निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कहता है कि शिक्षा जो है निशुल्क अवेलेबल होनी चाहिए, इसका जिम्मा भी राज्य सरकारों पर होगा। अनुच्छेद 46 जो है बच्चों पोषण की बात करता है, मद निषेध की बात करता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात करता है। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 46 कहता है कि लोगों के सार्वजनिक स्वास्थ्य की देखरेख करने का जो जिम्मे सार्वजनिक स्वास्थ्य का जो जिम्मा होगा वो भी राज्य सरकारों का होगा। और अनुच्छेद 48 जो है वो ये कहता है बच्चों कि पर्यावरण संरक्षण की जो जिम्मेदारी होगी वो भी राज्य सरकारों की होगी। राज्य सरकारों को पर्यावरण से संबंधित कुछ ऐसी नीतियां बनाई हुई होगी ताकि पर्यावरण का हम क्या कर सके, संरक्षण कर सके। पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण कार्यक्रमों की जो व्यवस्था करनी होगी वो भी राज्य सरकारों की होगी। तो ये कहता है बच्चों आपका अनुच्छेद 48A। 48A में ये बात कही गई है कि पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है। और पर्यावरण संरक्षण की बात आती है आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 में पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई। वैसे अनुच्छेद 48 में कृषि व पशुपालन संगठन की बात है और इसी में 42वें संविधान संशोधन के तहत पर्यावरण संरक्षण की बात या पर्यावरण संरक्षण का जिम्मा राज्य सरकारों को सौंपा गया। और ये जो अधिकार है बच्चों ये हमें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। राज्य सरकारों को इस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं ताकि वो सामाजिक सुरक्षा समाज में स्थापित कर सके। अब बात आती है बच्चों राजनीतिक सुरक्षा। कौन सी सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा। राजनीतिक सुरक्षा में आप सबको पता होना चाहिए बच्चों अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 बात करता है बच्चों ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं बच्चों अगर भारत का विकास करना है तो गांवों का विकास करना होगा।
और राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि ग्राम पंचायतों के गठन की जिम्मेदारी होगी बच्चों वो राज्य सरकार की होगी। राज्य सरकार यहाँ पर क्या करवाएगी, चुनाव करवाएगी, और चुनाव किसके द्वारा करवाती है, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायती राज के चुनाव करवाती है। और इसी ग्राम पंचायतों के गठन को संवैधानिक दर्जा भी दिया गया हमारे भारतीय संविधान में 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई बच्चों। 73वां संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा भी प्रदान कर दिया गया। तो ग्राम पंचायतों के गठन का जो सपना देखा था वो गांधी जी का सपना था और अनुच्छेद 40 में इस बात का उल्लेख है। आगे जाकर के माना गया कि इन ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा भी दिया जाना चाहिए क्योंकि ग्राम पंचायतें स्थिर होकर कार्य नहीं कर पा रही थी, इनके पास में पावर नहीं थे। तो ग्राम पंचायतों के गठन करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और राज्य सरकार ही ग्राम पंचायतों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से करवाती है। और आप सबको पता है राज्य सरकार के द्वारा ही ग्राम पंचायतों को वित्त सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए एक आयोग बना हुआ है और उस आयोग का नाम है बच्चों वित्त आयोग। क्या नाम है बच्चों, वित्त आयोग। आगे की वीडियोस में इनके बारे में देखेंगे। और ग्राम पंचायत का जो वित्त आयोग जो है उसके माध्यम से राज्य सरकार ग्राम पंचायतों को क्या देती है, वित्तीय अनुदान प्रदान करती है। और ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए हमारे भारतीय संविधान में 2 संशोधन हुए बच्चों, एक हुआ 73वां और एक हुआ 74वां। 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण स्वशासन से संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन नगरीय स्वशासन से संबंधित है। 1994 में यह संविधान संशोधन हुआ और 1994 में इसको लागू कर दिया गया। अब ये जो बच्चों संशोधन हुए 1992-93 और 1994 में ये लागू होते हैं। 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण स्वशासन से संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन नगरीय स्वशासन से संबंधित है जो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हैं। अब आता है बच्चों अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 कहता है सभी नागरिकों को समान नागरिक संहिता का पालन करना चाहिए। समस्त भारतीय नागरिकों के लिए एक कॉमन सिविल कोड होना चाहिए ताकि हर भारतीय उस आज्ञा का क्या कर सके, पालन कर सके। ये बात अनुच्छेद 44 में कही गई है। फिर आता है बच्चों अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 कहता है कि न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण किया जाना चाहिए। न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा जाना चाहिए ताकि वो व्यवस्थापिका पर अंकुश लगा सके और व्यवस्थापिका को इसलिए स्वतंत्र रखना चाहिए ताकि वो न्यायपालिका पर अंकुश लगा सके। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक होनी चाहिए, ये हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 कहता है और स्वतंत्र है भी। न्यायपालिका में जो न्यायाधीश होते हैं उनका चुनाव व्यवस्थापिका के सदस्य राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति करता है और महाभियोग प्रणाली जो कि बड़ी ही कठिन प्रणाली उसके आधार पर ही न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो न्यायपालिका कार्यपालिका से बिल्कुल पृथक है, व्यवस्थापिका से अलग है। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों ही एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तभी राज्य सरकारें अपने अनुसार कार्य कर पाएगी। अब बोलता है कानूनी व्यवस्था अवसर की समानता पर आधारित न्याय की प्रोन्नति हो, सभी को समान अवसर उपलब्ध हो, ऐसा हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है। सामाजिक सुरक्षा में बच्चों एक अनुच्छेद और रह गया आपका, वो है अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 कहता है जो भी हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, पुरातात्विक जो हमारे स्रोत हैं, उन सब को क्या प्रदान करना, उन सब की सुरक्षा करना, उनका संरक्षण करना, इसकी जिम्मेदारी भी राज्य सरकार को दी गई है। तो सामाजिक सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद में अनुच्छेद 41, 42, 46, 47 और 45 आपने देखे। अब बच्चों इसमें एक लास्ट अनुच्छेद बच गया, उसका नाम है बच्चों अनुच्छेद 51। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51। क्या है अनुच्छेद
51 बच्चों, तो देखो अनुच्छेद 51 कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ाने की बात कहता है। क्या कहता है? अनुच्छेद जो 51 है वो कहता है कि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। तो अनुच्छेद जो 51 है वो अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की बात करता है, अनुच्छेद 51। तो आपको पता चल गया होगा कि भारतीय संविधान में राज्यों को निर्देश दिया गया है कि इस प्रकार का वातावरण राज्य में बनाना है, देश में बनाना है, ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दे सके। राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी है ताकि जो भी विवाद पैदा हो उसका शांति से निपटारा हो सके। सदस्य राष्ट्रों के बीच में सद्भाव सहयोग की स्थापना करना, हमके बाद हमारा अनुच्छेद 51 कहता है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान किया जाना चाहिए, ये बात हमारा अनुच्छेद 51 कहता है। विश्व वसुदेव कुटुंबकम की भावना की जो सर्वे संतु निरामया का जो सिद्धांत प्रस्तुत करता है बच्चों, वो करता है आपका अनुच्छेद 51 करता है। और अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। तो आपने बच्चों नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में हम नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब बात मैंने आपको जो तीनों चीजें बताई, कौन कौन सी सुरक्षा की बात करी, कि नीति निर्देशक तत्व न केवल सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, आर्थिक और राजनीतिक सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं कौन? नीति निर्देशक तत्व। तो जो नीति निर्देशक तत्व ये सब कार्य कर रहे हैं, तो इनमें कौन कौन से अनुच्छेदों को एक बार और देख लेते हैं। मैं एक बार और रिमाइंड करवा रही हूँ बच्चों, ध्यान से मेरा पूरा वीडियो देखे और समझे। देखो बच्चों क्या कह रहा है ये नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 37 समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करना, सॉरी अनुच्छेद 38 में, अनुच्छेद 37 की बात करें तो न्यायालय में बात योग्य नहीं है। अनुच्छेद 39 की बात करें तो जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध होने चाहिए, समान आय की विषमता को कम करना, आय की समानता को बरकरार रखने की बात अनुच्छेद 39 कहता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन करता है। अनुच्छेद 41 राज्य को ऐसी व्यवस्था स्थापित करने के लिए कहता है ताकि शिक्षा, अपंगता, वृद्धावस्था इन सब के क्षेत्र में राज्य सरकारें काम कर सके। अनुच्छेद 42 कहता है काम की न्यायोचित और मानवोचित दशाएं उपलब्ध होनी चाहिए। अनुच्छेद 43 कहता है कि श्रमिकों के कल्याण के लिए, उनके अवकाश का सदुपयोग करने के लिए, उनके वेतन को निर्धारित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है। अनुच्छेद 45 जो है वो निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 46 की अगर हम बात करें बच्चों, तो अनुच्छेद 46 पोषण की बात करता है। अनुच्छेद 47 अनुसूचित जाति और जनजाति की बात करता है। अनुच्छेद 48 कृषि व पशुपालन संगठन की बात करता है। अनुच्छेद 49 की अगर हम बात करें बच्चों, तो जितनी भी हमारे पुरातात्विक स्मारक और स्थल है, जितनी भी सांस्कृतिक विरासत है, उन सबको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी किसकी है? राज्य सरकारों की है, जिसके लिए नीति निर्देशक तत्व हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 में समाहित है। अनुच्छेद 49 हो गया। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण है, और अनुच्छेद 51 में आपने बच्चों अभी पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इस प्रकार आपके नीति निर्देशक तत्व है, और नीति निर्देशक तत्वों का मूल्यांकन, नीति निर्देशक तत्व होने चाहिए थे नहीं होने चाहिए थे, विभिन्न विद्वानों ने इनके बारे में क्या कहा, और नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में क्या क्या अंतर है,
इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हमने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ा, आपको अपनी बुक में इसको पढ़ना है, समझना है, मेरे पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है और जो भी मैंने इस बोर्ड पर लिखवाया है उसको ध्यान से लिखना है और आपको बुक के अकॉर्डिंग इसको एक बार रिवाइज करना है ताकि जो कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं मेरा वीडियो जो देख रहे हैं वो आसानी से सारी राजनीति विज्ञान का जो संविधान वाले नीति निर्देशक तत्व है उनको पढ़ सके। तो आप चाहते हैं मैं आपको राजनीति विज्ञान की पुस्तक पढ़ाऊं तो आप मेरे पूरे वीडियो को देखें, समझे और नव भारतीय स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, शेयर दीजिए ताकि मैं आगे से आगे आपके लिए वीडियो बनाती रहूं और आपको ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा देती रहूं। हमारा जो नव भारतीय स्टडी सर्कल है आपको फ्री में आपको ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध करवा रहा है। कक्षा 12 के जितने भी विद्यार्थी हैं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़े हुए हैं या और अदर एग्जाम्स के दृष्टिकोण से भी नीति निर्देशक तत्व वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन एग्जाम्स में भी आपके नीति निर्देशक तत्व आते हैं। मैंने अनुच्छेदों सहित आपको ये पूरा नीति निर्देशक तत्व समझाया है। कमेंट बॉक्स में लिखे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स दे और इसी के साथ धन्यवाद।